2G मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी और प्रशांत भूषण की उन अलग अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें चिदम्बरम को 2G घोटाले में सहआरोपी बनाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले में चिदम्बरम के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के चलते चिदम्बरम को सहआरोपी बनाने से साफ इनकार कर दिया है। मैं रिव्यू फाइल करूंगा और कहूंगा जजेस को कि आपने मुझे पूरा बहस भी नहीं करने दिया, बीच में रोक दिया। जब मैंने कहा कि मैंने अभी तक साइटेशंस नहीं दी तो उन्होंने कहा आप रिटर्न सबमिशन दे दीजिए। मैंने रिसेंट सबमिशंस भी दी है जिसमें मैंने षड्यंत्र का कोई जिक्र ही नहीं किया है। देश के मौजूदा सियासी हालात काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निर्भर थे। संसद में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही गतिरोध बरकरार है। विपक्ष पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी है। नतीजतन पिछले 3 दिनों से संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर अदालत का फैसला चिदम्बरम के खिलाफ होता तो शायद विपक्ष की मांगे और हमलावर तेवर और तेज हो सकते थे। जाहिर है सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला सरकार और चिदम्बरम दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को अदालत के फैसले से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल स्वामी अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के मूड में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।